आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग विरोधी है, कभी भी इन वर्गों को प्रतिनिधि नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दलित आदिवासी विरोधी है, कभी भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों से 11 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल 7 स्टार प्रचारक इन वर्गों से बनाए गए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित वर्ग से 3 स्टार प्रचारक हैं, भाजपा के केवल 2 हैं। आदिवासी वर्ग से भी 3 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बनाए, भाजपा के केवल 2 स्टार प्रचारक हैं। पिछड़े वर्गों के कांग्रेस पार्टी से 5 स्टार प्रचारक बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी से केवल 3 प्रचारक बनाए गए। साथ ही बिंदी जैसे बड़े इलाके की भाजपा द्वारा उपेक्षा की गई। रेगांव में उपचुनाव होने के बाद भी एक भी स्टार प्रचारक बिंदी से नहीं बनाया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी इलाकों को भी तवज्जो दी गई, सभी वर्गों को भी तवज्जो दी गई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों को केवल धोखा दे सकती है, कभी प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा होने वाले उपचुनाव में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से 11 स्टार प्रचारक बनाए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल 7 स्टार प्रचारक इन वर्गों से बनाए गए। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी द्वारा 3 स्टार प्रचारक बनाए गए तथा आदिवासी वर्ग से भी 3 स्टार प्रचारक बनाए गए, पिछड़े वर्ग से 5 स्टार प्रचारक बनाए गए। इस तरह कुल 11 स्टार प्रचारक बने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में दलित वर्ग से 2 स्टार प्रचारक, आदिवासी वर्ग से भी 2 स्टार प्रचारक तथा पिछड़े वर्ग से 3 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 7 स्टार प्रचारक बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। इसके साथ ही बिंदु द्वारा बड़े क्षेत्र की भाजपा द्वारा उपेक्षा की गई है, यहां से एक भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। आपको बता दें, बिंदु के रहगांव में भी अभी उपचुनाव होना बाकी है, परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाइडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।